संसदीय परंपरा के मुताबिक हर साल 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाता है, लेकिन इस बार आम बजट पेश नहीं होगा। इस बार मोदी सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करेगी। अंतरिम बजट तब पेश किया जाता है जब उस साल चुनाव होने वाले होते हैं, और इस साल जैसे कि हम आपको बता दें कि मोदी सरकार को चुनावों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि इस साल चुनाव होने हैं, आम चुनाव होने हैं, इसलिए इस बार आम बजट नहीं यानी कि पूर्ण बजट नहीं बल्कि अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। तो पहले हम लोगों से यही जानने की कोशिश करेंगे कि आम बजट और अंतरिम बजट में क्या अंतर उन्हें पता है, और साथ ही मोदी सरकार के इस बजट से जो अंतरिम बजट वो पेश करने वाले हैं इनसे क्या वो उम्मीद करते हैं, इस बजट से लोग क्या उम्मीद कर रही हैं, कुछ लोग भी यहाँ पर उनसे बात करेंगे। कल मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश हो रहा है। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपको पता है कि अंतरिम बजट और आम बजट में क्या अंतर है? पता है, फुल बजट जो होता है मैम, जब गवर्नमेंट, अभी लोकसभा इलेक्शन है हमारे शेड्यूल्ड, तो अभी इंटरिम बजट ही आएगा, आफ्टर इलेक्शन फुल बजट होता है। और ये बताइए कि जैसे कि अंतरिम बजट है तो कुछ उम्मीदें आपकी हैं, कुछ खबरें ऐसी हैं कि सरकार कुछ रिलीफ के ऐलान कर सकती है मिडिल क्लास के लिए भी, किसानों के लिए भी, आप क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं? यही उम्मीदें लगा के बैठे हैं मैम कि मिडिल क्लास के लिए कुछ करेंगे, इनकम टैक्स का स्लैब जो है वो बढ़ाएंगे, 5 लाख इतना मिनिमम होना चाहिए मैम, 5 लाख तक टैक्स स्लैब बढ़ जाएगा, तो यही चाहते हैं। इसके अलावा भी जैसे बहुत लोग हैं कुछ और भी चाहते हैं, पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाए, अगर वो सस्ता होगा तो सभी चीज़ें उनको लगता है कि सस्ती हो जाएगी, सब पर असर पड़ता है। बट इन्फ्लेशन इतना बड़ा नहीं है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा लेकिन इतना इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा उस हिसाब से, तो दैट्स प्रीटी गुड। आप क्या चाहते हैं बजट में क्या होना चाहिए? मैम सब सामान सस्ता होना चाहिए, जैसे कि पेट्रोल है और भी सामान है, खाने पीने की ज़रूरत की सामान है, राशन पानी का सामान है, वो सस्ता होना चाहिए। कल बजट पेश होने वाला है और क्या आपको लगता है कि होना चाहिए फीमेल्स के लिए, क्या होना चाहिए फीमेल्स के लिए, क्या होना चाहिए? नथिंग स्पेशल, बट सम सेफ्टी इश्यूज जो होते हैं उसके लिए कोई ध्यान रखना चाहिए, एडुकेशन, गर्ल एडुकेशन, हाइजीन, जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज, देर इज लेस ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडे सिनेरियो, वो सब ध्यान में रखना चाहिए। उसमें कुछ एडुकेशनल वीडियोस या प्रमोशन फॉर ये सब होना चाहिए मेरे फॉर वुमेन, बेसिकली इफ़ यू आस्क ओनली फॉर वुमेन। आपको क्या लगता है कि कुछ आपको लगता है कि जैसे कि बहुत से लोग चाहते हैं कि टैक्स के अंदर स्लैब बढ़ाने की ज़रूरत है, कम से कम 5 लाख हो, आपको भी लगता है? इसके अलावा भी कुछ उम्मीदें हैं आपकी? नहीं, ऑब्वियसली अगर 5 लाख तक एग्जेम्पशन हो जाएगा तो यंगस्टर्स को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स लोग का सैलरी आई गेस 5 लाख के अंदर ही रहता है, तो एक यूथ को बूस्ट मिलेगा, और जो रेवेन्यू लीकेज यहाँ से हो रहा है, मतलब रेवेन्यू यहाँ जो कम हो रहा है वो हायर टैक्स पेयर से गवर्नमेंट ले सकते हैं, तो ऑब्वियसली अच्छा रहेगा। बजट में है कि जैसे अभी 2.5 लाख का है तो इसमें 2.5 लाख से 5 लाख तक का करें, या तो जैसे अभी 8 लाख का दिया है दूसरी सवर्णों के लिए, तो 8 लाख का दिया है तो सबके लिए 8 लाख कर लागू करें, अभी तो 2.5 लाख का है तो 2.5 लाख में लोगों के लिए जो रखते हैं पैसे को तो किसी काम में लग जाता है, तो 2.5 लाख का कोई यूज नहीं हो पाता जिस हिसाब से, अगर 5 लाख तक का है तो वो बंदा अपने घर गृहस्थी या शादी ब्याह में किसी पर 5 लाख तक का अपने पास रख सकता है, तो उसमें छूट अगर 5 लाख तक की है तो इंसान अपने घर कारोबार में सही से चला सकता है। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे क्या नाम है अपना जो स्टॉक मार्केट में जो लॉन्ग टर्म टैक्स लग रहा है वो एक तो कम हो जाए, क्योंकि मैं खुद इक्विटी मार्केट फील्ड से हूँ, और जो टैक्स में है कुछ कमी होनी चाहिए, और किसानों के ऊपर थोड़ा सा कुछ गरीबी है जो किसानों को थोड़ा हेल्प मिलनी चाहिए, जो किसान डेथ कर रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं, उनका जो कर्ज माफ़ी का जो भी चल रहा है वो सारी चीज़ों के है, बजट कुछ आया तो अच्छा होगा, भला होगा, पब्लिक का भला होगा तो सबका भला होगा, देश का भला होगा। एक्चुअली मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट की साइड से एम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे आप तो पिछले 4 सालों से काफ़ी गिरा हुआ है, और इसके ऊपर गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, आप गवर्नमेंट कंट्री का एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ करें। सैलरीड पीपल को तो बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं, हम लोग काफ़ी पैसा देते हैं और हमें लगता है कि इस बार बजट हमारे फेवर में आना चाहिए। क्या होना चाहिए इस बजट? आई थिंक 5 लाख रुपीज़ का तो स्लैब होना चाहिए मिनिमम।
अधिकतर लोगों का बस यही कहना है कि वो चाहते हैं कि टैक्स स्लैब की जो सीमा है वो बढ़ाई जानी चाहिए, जो इस समय 2.5 लाख रुपए है उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कदम उठाया जाता है तो इसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो यूथ हैं जिन्होंने कि अभी अपने करियर की शुरुआत की है या जो बाकी लोग हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सकेगा। इसके साथ ही जैसे कि महिलाएँ हैं और जो बाकी लोग हैं उनको लगता है कि पेट्रोल डीजल लगातार कीमतें उसकी बढ़ रही है, अगर पेट्रोल डीजल सस्ता होगा तो जाहिर सी बात है कि बाकी सभी चीज़ें जिसकी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही बाकी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, उसका असर भी देखने को मिलेगा, यानी कि पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आरती पांडे, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।